नमस्ते, आई एम डॉक्टर रोशनी। मैं मणिपुर स्टेट से हूँ। मणिपुर स्टेट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है और इसको अ जेवल लैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिकॉज ये मणिपुर लैंड जो है, इट इज सराउंडेड बाय 9 हिल्स, विद द सेंटर में एक ओवल शेप वैली है। इसके वजह से ये नेचुरली मेड जेवल जैसे लगती है। इसकी वजह से मणिपुर को जेवल लैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। और मणिपुर एक स्टेट है, यहाँ पे हाईली नेचुरली अबंडेंट एंड रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है, और अलग अलग से इनहिबिटेंट्स लोग हैं, कास्ट रिलीजन सभी तरीका के लोग यहाँ पे रहते हैं, और हम प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाले हूँ, दिखाने वाले हूँ और बताने वाली हूँ एक ऐसी फेस्टिवल जो हर साल की शुरुआत में मनाई जाती है। इसका नाम है चेराओबा फेस्टिवल, और इसको सजीबो चेराओबा भी कहते हैं और मैते चेराओबा भी कहते हैं। चेराओबा का मतलब है न्यू ईयर, अ न्यू बिगिनिंग। हर साल की नई शुरुआत के दिन में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ये फेस्टिवल मनाने की जो मेन सिग्निफिकेंस आइडिया जो है, ये प्यार को बांटना, ब्रदरहुड को और रिलेटिव्स को, नेवर्स को प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाना और गॉड के साथ जुड़ना, प्रेयर करना, ये मेन एक रिचुअल है ये मनाने के लिए इस फेस्टिवल की। और इसके बारे में कैसे हम मनाते हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और हमारी जो ग्लोकल डाइटीज हैं, जो इस दिन में हर हर घर में हम वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, इसका नाम है लाइनिंग थाउ सनामही और इमाले मरेल सीदबी। ये दो गॉड एंड गॉडेस हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज का प्रयोग है। जब हम इस गॉड एंड गॉडेस को प्रेयर करते हैं तो हमारी मणिपुर में मिले हुए इंडिजिनस फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल हम ऑफर करते हैं इस दिन में, और प्रेयर मांगते हैं ताकि हमारे ऊपर जो आने वाले साल में दुख तकलीफ और हेल्थ इश्यू हो, इससे मुक्ति करें और हमें ब्लेसिंग दे दे कि हम जो काम करें उसमें सक्सेस मिले और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हमें मिले और हमारे फैमिली का भी और सभी लोग जो हमसे साथ जुड़ती हैं, इन सभी को प्रोटेक्शन मिले, ब्लेसिंग मिले, और जो पाना चाहती हैं वो पा सके, और जो पावर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो हम हमारे काम में डालने के लिए, वो एनर्जी डिवाइन से मिलती है इस दिन में। और उसके बाद प्रेयर करते हैं तो लंच की हम जो बनाते हैं लोकल क्विजिन्स फिश, इसमें मैं दिखाऊंगी क्या क्या हम बनाते हैं। ट्रेडिशनल लोकल क्विजिन्स में नाम बताऊंगी थोड़ा जो हम बनाते हैं इस दिन में। राइस हम बनाते हैं, उसके साथ साथ इरोम्बा बनाते हैं, और इसमें स्पेशली उत्ती, ये बहुत स्पेशल है मणिपुर के लिए, बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस है। और इसमें और उसके साथ साथ हम मछली का करी भी हम ऑफर करते हैं, चम्फुट होती हैं, खासकर बहुत सारे करी, अलग अलग करी हम बनाते हैं, और इन सारी को एक हमारी घर की सबसे बड़ी सदस्य, हमारे फादर, ग्रैंडफादर, वो इन सभी
जो हम आस बनाते हैं वो खाना को हमारी होम की मेन एंट्रेंस जैसे गेट होती हैं उसमें हम गॉड को ऑफर करते हैं पहले, उसके बाद हम खाना खाते हैं। इसका मतलब जो हम खाना खाने वाले हैं वो डिवाइन का ब्लेस किया हुआ, डिवाइन की एनर्जी से एनर्जाइज किया हुआ खाना हम खाएंगे। तो जो भी पास्ट ईयर में हमारी बॉडी में जो कमियां थी, जो खाने की न्यूट्रिशन की कमी थी, वो सारे इस दिन में मिलते हैं, खूब सारे एनर्जीज हमें मिलती हैं। तो साथ खाना और साथ में प्यार बांटना और यही एक ब्रदरहुड के बीच में प्यार जताना, यही मेन मोटिव है इस फेस्टिवल की, और बहुत खुशियां होती हैं। और लंच हम खाएंगे साथ में, उसके बाद इवनिंग के टाइम में आते हैं तो हम एक नियर बाय हिल्स में जाते हैं, वही हिल को क्लाइम करते हैं ये, और उस हिल जो है उसके ऊपर में टॉप मोस्ट लोकेशन में टेंपल होती हैं, वहाँ पे गॉड, हमारी मणिपुरियन गॉड, लोकल डाइटीज वहाँ पे वर्शिप करती हैं। तो हम एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आती है कि हम जब माउंटेन क्लाइम करते हैं तो हमारे अंदर में एक विश्वास होती है कि हर जो हम काम करेंगे, कितना भी मुश्किल हो, उस ग्रेट हाइट में पहुंचने के लिए जो भी चैलेंजेस हमें फेस करना है वो हम कर सकेंगे। तो इस इच्छाएं जो हमारे अंदर में है वो सक्सेस पाने की, वो हमको लगती है कि इस माउंटेन को क्लाइम करते हैं तो वो एम्बिशन जो हम एम करते हैं वो मिलेंगे, और डिवाइन ऊपर में है तो कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट हमें मिलेंगे, ये विश्वास हम रखते हैं तो हम क्लाइम करते हैं और मिलती भी हैं, प्रेयर भी करती हैं, ब्लेसिंग भी मिलती है। उसके साथ साथ जो भी हमने हेवी खाना खाई थी वो भी इजीली डाइजेस्ट होती हैं, तो हमारी बॉडी में अलग सी स्ट्रेंथ आ जाती है, मस्कुलर पावर आती है, भरती है। तो यही होती है इवनिंग के टाइमिंग में। उसके बाद हम वापस आएंगे तो डिनर खाएंगे, डिनर के बाद एक हमारी लोकल ट्रेडिशनल डांस होती है थाबल चोंगबा। इस थाबल चोंगबा डांस में हमारी यूथ्स होती हैं, जो अनमेरिड गर्ल्स होती हैं, बॉयज होती हैं, स्मॉल चिल्ड्रन होती हैं, ये सारे लोग एक साथ हमारी जो फोक डांस है थाबल चोंगबा वो साथ में डांस करते हैं, और ऑडियंस बन के उसकी पेरेंट्स लोग, ग्रैंड पेरेंट्स लोग, सारे जो लोकेलिटी में रहते हैं वो एक साथ गैदर करके यहाँ पे हम लोग डांस को देखती हैं और डांस करने वाले को एंजॉय करते हैं, देखने वालों भी एंजॉय करते हैं। ये बहुत खुशी से भरी एक दिन है, एक ऑस्पिशियस दिन, शुभ दिन। इसमें गॉड भी खुशी होती हैं, ईश्वर भी, और हम लोग मणिपुरी पीपल भी बहुत खुशी होती हैं। साल की शुरुआत ऐसे तरह हम शुरू करते हैं, ये बहुत खुशी और बहुत प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है मणिपुर के लिए। तो ये सारी आपको मैं आज शेयर कर रही हूँ, और वीडियो भी आपको मैं दिखा रही हूँ जब हमें क्लाइंब कर रही हूँ वहाँ पे प्रेयर करती थी, कैसे तरह हमने मनाई है, मैं आप सभी को आज शेयर कर रही हूँ। तो नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर रोशनी, मैं मणिपुर से हूँ, और आप सभी को मैंने पहले भी बताई थी कि इस साल की नई शुरुआत जो चेराओबा फेस्टिवल जो मणिपुर में मनाए जाते हैं उसमें हम लोग हर हर घर में ये सारे जो अभी आपको दिखा रहे हैं सामने, मेरे सामने हैं, ये सारे खाना हम प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली हम राइस बनाते हैं और इसमें इंडिजिनस फ्रूट्स हम देते हैं, फ्लावर्स देते हैं गॉड को, और अलग अलग सी डिशेस बनाती हैं, करी बनाती हैं जो हमारे मणिपुर में मिले हुए इंडिजिनस सब्जियों से बनाए जाते हैं। ये बहुत शुभ दिन है, हम बहुत खुश हैं इसमें से। सारे जो लोग बाहर में गए हैं तो इस दिन में ही हम लोग एक दूसरे को मिलकर खुशियाँ पाते हैं, खाना एक दूसरे के साथ खाते हैं, तो बहुत सारी खुशियों से भरने वाले एक दिन है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रोशनी अभी एक हिल्स में पहुंच रही हूँ, जहाँ ऊपर में एक टेंपल है
तो आज के चेराबुद्दीन में हर मणिपुरी यहाँ पे आकर टेंपल पे प्रेयर करते हैं। और ये माउंटेन है जो मैं ऊपर जा रही हूँ, अभी एक व्यू दिखाती हूँ। सो यही है माउंटेन का टॉप, यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। आते जाते हैं, ऊपर में टेंपल है। नाउ मैं अभी टेंपल में पहुंचे हूँ। ये हिल के टॉप में है, टॉप मोस्ट लोकेशन पॉइंट में। ये खूबसूरत सा टेंपल है और यहाँ पे गाने का प्रोग्राम हो रही है। और अभी मैं टेंपल के अंदर में जाके पूजा करती हूँ। मणिपुर के बारे में कुछ आप लोगों को शेयर करना, और मैं आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत खुश होगी इसको जानकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।